थाने में फिरियादी अंकित भरत मून ने उनके फ्लिपकार्ट के गोदाम में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच चल रही थी कि एक दिन पुलिस को गश्त करते समय एक कंटेनर संदिग्ध नजर आया और एक व्यक्ति उसमें से एक सफेद बोरी फेंकता नजर आया। शक होने पर पांडे और उनकी टीम तलाशी लेने गई, लेकिन आरोपित इसम ने मौके पर ही बोरी फेंक कर कंटेनर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश की और मुख्य आरोपी को पुलिस ने बड़ी ही कुशलता और जांच से गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की खोज के लिए पुलिस बल भेजा गया है। तिलक रामटे के वाहन में गश्त कर रहे थे, तभी MIDC परिसर में एक कंटेनर संदिग्ध नजर आया और एक व्यक्ति उसमें एक सफेद बोरी फेंकता नजर आया। शक होने पर पांडे व टीम उसकी तलाशी लेने गई, लेकिन आरोपित इसम ने मौके पर ही बोरी फेंक कर कंटेनर लेकर फरार हो गया। पुलिस उपनिरीक्षक पांडे ने साथ गए कर्मचारी तिलक रामटेके को बोरी का निरीक्षण करने के लिए भेजा और कंटेनर का पीछा करने लगे। लगभग 18 किलोमीटर पीछा करने के बाद कंटेनर चालक ने अचानक गांव मांडवा क्षेत्र के घने जंगल में कंटेनर को रोक दिया और तेज गति से कंटेनर को रिवर्स में ले गया और पुलिस कर्मियों को मारने के इरादे से वाहन को टक्कर मार दी और वाहन को उड़ा दिया। पुलिस उपनिरीक्षक पांडे और पूना चवरे ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर समय रहते नीचे उतरने पर उनकी जान बच गई। इसी दौरान कंटेनर में सवार अन्य चार लोग अचानक नीचे आ गए और पुलिस उपनिरीक्षक पांडे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर कंटेनर लेकर फरार हो गया। आरोपितों ने फ्लिपकार्ट कंपनी का गोदाम तोड़कर उसमें से सामान चुराकर ले जाने की बात सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ वादी अंकित भरत मून उम्र 26 वर्ष के गिर रोड उमरेड स्थित फ्लिपकार्ट के गोदाम में कोई अज्ञात चोर शटर तोड़कर दुकान में घुस गया और कुल 71,000 रुपये का सामान चोरी हो गया था। इन दोनों घटनाओं का गुनाह उमरेड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये आरोपी एक ही होने की बात सामने आई। पुलिस ने जांच के दौरान मुख्य आरोपी उस्मांगनी मोहम्मद इब्राहिम कोफीवाला को मजलखंड जिले के बालाघाट से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने ये गुनाह अन्य तीन आरोपियों के साथ करने की बात कबूल की। अन्य आरोपियों की खोज के लिए गोधरा में पुलिस बल भेजा गया है। उमरेड पुलिस स्टेशन मध्ये दाखल गुन्हा 392/22 यामध्ये आमचे पोलीस उपनिरीक्षक बटुलाल पांडे आणि दोन कर्मचारी यांनी एका कंटेनरचा पाठलाग केला होता 23 जून 2022 आणि यामध्ये बटुलाल पांडेंनी जवळजवळ 18 किलोमीटर पाठलाग केल्यानंतर त्यांच्यावरती गुन्हेगारांनी हल्ला केला होता। यामध्ये फ्लिपकार्टच्या गोडाऊनमध्ये घरफोडी झालेली होती आणि मुद्देमाल घेऊन आरोपी पळत असताना पाठलाग झाला आणि या पाठलागामध्ये कंटेनर रिवर्स घेऊन आमच्या 112 गाडीला त्यांनी धडक दिलेली होती आणि बटुलाल पांडेंच्या पायावरती मारहाण केली होती पोलीस उपनिरीक्षक बटुलाल पांडे। त्या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये पोलीस निरीक्षक प्रमोद गोंगे आणि त्यांच्या टीमने त्याचबरोबर SDPO यांनी सतत तपास केला आणि यामध्ये दोन आरोपी आत्तापर्यंत अटक केले, एकूण 5 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत। निष्पन्न आरोपीमध्ये उस्मान कॉफीवाला म्हणून जो आहे याच्यावरती भरपूर गुन्हे दाखल आहेत। गोधरा शहरामध्ये त्याच्यावरती गुन्हे दाखल असून सध्या परिस्थितीमध्ये त्याने बालाघाट उमरेडमध्ये दोन गुन्हे निष्पन्न झालेले आहेत। अद्यापही 3 आरोपी अटक करायची बाकी आहेत। पोलीस यामध्ये आणखी तपास करून ते 3 आरोपी अटक करेल। त्याच्यामध्ये उस्मान कॉफीवाला हा त्यांचा नेतृत्व करत होता, त्यांच्या नावावरती ते कंटेनर पण आहे आणि अद्यापही याच्यामध्ये आणखी 3 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, ते अटक करणं बाकी आहे। आणि ज्या कंटेनरच्या संबंधी त्याचा आणखीन तपास आम्ही करतो। फ्लिपकार्टच्या काही ठिकाणी घरफोड्या झालेल्या आहेत। एक भंडारा हातीमध्ये आम्हाला ही बात आहे की फ्लिपकार्ट गोडाऊनमध्ये चोऱ्या झालेल्या आहेत। नंतर काही ठिकाणी आपल्याकडे पण आजूबाजूचे गोडाऊन आहेत ते फोडले गेलेले आहेत किंवा त्या ठिकाणी चोऱ्या झालेल्या आहेत, त्या गुन्ह्यांचा तपास आम्ही यातून काढत आहोत। दुसरं, जो माल आहे हा कंटेनरमध्ये टाकून ते घेऊन जात होते, बहुतेक करून नाकाबंदीमध्ये किंवा पोलीस तपासणीमध्ये कंटेनर कधी चेक केला जात नाही, तर आरोपीने एक वेगळ्या पद्धतीची मोडस ज्यामध्ये दिसून येते आणि त्यामध्ये पोलिसाला चांगलं यश मिळालेलं आहे। बॉसने मीटिंग बुलाई। क्या आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।